विटामिन और मिनरल्स। जितना हम अपनी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना शायद हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट दोनों मैक्रो और माइक्रो हैंड इन हैंड चलते हैं, तब जाकर एक आप अच्छी फिजिक पाते हैं, आप एक अच्छी हेल्थ पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको ये डाइट से लेना चाहिए या फिर जो सप्लीमेंट कंपनी बनाती है आपको उससे लेना चाहिए या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बनाती है, जो दवाई बनाती है आपको उससे लेना चाहिए। मैं तीनों चीज़ को कवर करूँगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये चैनल आपके लिए है। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। मेरा नाम हर्षल सिंह है, मैं एक एक्टर और एक फिटनेस ट्रेनर हूं और आप देख रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होता है जो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होता है जो आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपकी बॉडी के अंदर? माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मदद करता है आपको कहीं भी चोट लगी उसको हील करने में, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपके ब्रेन के हेल्थ को अच्छा रखने में, आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखने में, आपके सेल को अच्छा, बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसको अच्छा रखने में, उसको हेल्दी रखने में, आपके बोन के हेल्थ को हेल्दी रखने में, आपके हार्मोन को बनाने में, आपके बॉडी के अंदर गुड एंजाइम्स को बनाने में। मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया जबकि बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक करते हैं ये उसमें ही मदद करता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल पावर है उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब करके बॉडी के हर कोने में पहुंचाने तक में मदद करता है वो। ये बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको ये डाइट से लेना चाहिए या फिर सप्लीमेंट कंपनी जो बनाती है मल्टीविटामिन उससे लेना चाहिए या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं आपको उससे लेना चाहिए। सबसे पहले मैं डाइट के बारे में बताऊँगा। डाइट से सपोज आप गुआवा खाते हैं या फिर मैंगो खाते हैं, फिर कोई भी फ्रूट खाते हैं, उससे आप हर विटामिन या फिर मिनरल नहीं ले पाते हैं, कुछ विटामिन, एक दो विटामिन और कुछ मिनरल्स ले पाते हैं। आप बहुत सारे मिनरल्स को छोड़ देते हैं, विटामिन को छोड़ देते हैं, वो आप इंटेक नहीं कर पाते क्योंकि वो फूड में वो विटामिन नहीं होते हैं। तो आपको क्या जो सप्लीमेंट कंपनी जो मल्टीविटामिन बनाती है आपको उससे लेना चाहिए? चलिए मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट कंपनी जो मल्टीविटामिन बनाती है। इंडिया में एक ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, वो एक मल्टीविटामिन बनाती है। उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, आयरन, कॉपर और एक दो मिनरल और होंगे। तो इसमें भी आपको कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है, जो मैं खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला है उसकी मैक्सी रिच मल्टीविटामिन है एक, मैं उसको कंज्यूम करता हूँ। क्यों? उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊँगा और वो क्यों अच्छा है मैं आपको वो भी बताऊँगा। सिप्ला के मल्टीविटामिन में, मैक्सी रिच में क्या क्या, कौन कौन से विटामिन होते हैं और कौन कौन से मिनरल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें मल्टी मिनरल होता है, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन डी थ्री, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी वन, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी टू, ये सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और मैं आपको बता दूँ विटामिन बी ट्वेल्व इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन जो आपके बॉडी को चाहिए रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलिए हम सप्लीमेंट कंपनी में विटामिन बी ट्वेल्व नहीं मिलता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो मल्टीविटामिन है उसमें विटामिन बी ट्वेल्व रहता है, लेकिन हम बी ट्वेल्व तो नॉन वेजिटेरियन फूड से भी इंटेक कर सकते हैं, चिकन फिश इससे भी इंटेक कर सकते हैं बी ट्वेल्व, लेकिन फिर भी अगर आप बी ट्वेल्व इंटेक कर लेते हैं आप फिर भी बहुत सारे मिनरल्स जो सिप्ला में हैं, मैक्सी रिच में हैं, आप वो फिर भी छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, सप्लीमेंट कंपनी का यहाँ पे उस तरीके से चेकिंग नहीं होता है कि वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, लेकिन वही चीज़ अगर कोई एक दवाई बनाने वाली कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो रहती है, उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है कि वो दवाई सही है या गलत है, कहीं हेल्थ को नुकसान ना पहुँचा दे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको सिप्ला का मैक्सी रिच मल्टीविटामिन। अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आपके किसी नज़दीकी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से आप जाके ले सकते हैं। 110 रुपये में 10 कैप्सूल आता है, आप हर दिन एक कैप्सूल इंटेक कर सकते हैं। एक कैप्सूल 500 mg का रहता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप दो कैप्सूल इंटेक कर सकते हैं। 1000 mg पर डे इज़ गुड, आपको बहुत सारे मिनरल और विटामिन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।